in this section we are going to discuss the concept of a coupon bond and then we are going to talk about how for a coupon bond the yield to maturity will be calculated yani ki coupon bond ke upar overall kitna yield to maturity hai ya interest rate kitna aapko mil raha hai usko kaise calculate kiya jata hai this is what we are going to discuss so coupon bond basically is a type of bond जिसको हम bearer bond भी कहते हैं, या bond coupon भी कह सकते हैं. और ये बेसिकली एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ कुछ अटैच्ड होते हैं अगैन uh, uh, अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं या कुछ उनके ऐसे के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें एक सर्टिफिकेट होता है मगर उसके साथ परफोरेटेड uh, का एक सेक्शन बना होता है एड add, एडिड होता है जिसके अंदर पर्चियाँ एड हो होती हैं इनके ऊपर नंबर लिखा होता है हर एक पर्ची के ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके लिखा होता है तो अगर आपका फाइव ईयर्स का आ, वो सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर पाँच पर्चियाँ लगी होंगी या इस किस्म के जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप वो सर्टिफिकेट बाय कर रहे हो उसके साथ वो एक परफोरेटेड से सुराख बने होते हैं छोटी छोड़ छोटी सी वो डिटैच हो जाती हैं जब आप उसकी वो मेचोरिटी के ऊपर एक माह गुजर जाएगा मंथली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आएगा या एनुअल बेसिस के ऊपर आपने रीपेमेंट लेनी है तो उसके ऊपर या उसके ऊपर सूद आपको मिलने वाला है तो आप हर साल के बाद जब जाते हो अपना वो सर्टिफिकेट लेके सेविंग सेंटर तो वहाँ से वो एक छोटी सी पर्ची उतार लेते हैं और नंबर वन वाली और फिर नंबर टू वाली और उसके हिसाब से आपको जो भी शराब सूद उन्होंने आपके साथ डिसाइड की होती है वो आपको पे कर देते हैं तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कूपन बॉन्ड कि उसमें कुपॉन्स लगे हुए हैं और एक सर्टन जो भी एग्रीड अपॉन टाइम पीरियड है उसके गुजर जाने के बाद आपको उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट ऑफ़र किया जाता है कि ये इंटरेस्ट के ऊपर आपको पेमेंट होगी आप उनको कैश दे रहे हो इस इसके बदले में वो आपको सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इन टाइम आफ्टर अ सर्टन टाइम पीरियड हर छः माह के बाद या हर एक साल के बाद आपको एक फिक्सड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और फिर जब मेचोर हो जाएगा पाँच साल का अगर वो बॉन्ड है या तीन साल का है तो फिर आप अपने जो जो भी उसका जो फेस वैल्यू है उसको आप वापस ले सकते हैं उन उन सूदों के अलावा तो दिस इज़ हाउ द कूपन बॉन्ड और द बीअर बॉन्ड ऑपरेट्स तो जब हम बियर बॉन्ड की या कूपन बॉन्ड की बात करें तो इसमें जितना भी टाइम पीरियड है उसमें आपको पेमेंट मिल रही है और मेचोरिटी ऑफ़ द बॉन्ड के ऊपर फिर आपको पेमेंट मिल रही है तो आपको दो तरह की पेमेंट्स आते हैं तो so, इसलिए जब हम इसकी यील्ड टू मेचोरिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव टू कंसिडर दीज टू एस्पेक्ट्स तो बेसिकली दोवरऑल स्ट्रैटी दैट इज़ यूज फॉर द कूपन बॉन्ड्स और द बीयर बॉन्ड्स डैट आप आज जो पैसे दिए हैं उस बॉन्ड को ख़रीदने के लिए उनको आप बराबर मैच करते हो जो आपको सालाना पेमेंट हो रही है और फिर आपको जो मेचोरिटी के ऊपर पैसे मिल रहे हैं फाइन तो आपको दो तरह की पेमेंट्स हो रही हैं एक uh, कुछ सर्टन टाइम पीरियड के बाद इट दे कैन बी फाइव टेन डिपेंडिंग अपन जो भी आपने उस बॉन्ड के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिए हैं और फिर मेचोरिटी के ऊपर तो दो तरह की पेमेंट्स हैं इनकी वैल्यू को आप प्रेजेंटली जब बॉन्ड बेरर बॉन्ड आपने बाय किया है उसकी ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं उनको मैच करते हैं आप ठीक है तो उस पर आपको पता चलता है कि आपका जो ओवरऑल हील टू तो मेचोरिटी है यानी कि कितना आपको मुनाफा हो रहा है तो दिस इज़ हाउ वी टॉक अबाउट वी डील विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स प्योरली कुपॉन बॉन्ड की एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान की लोकल एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो पाकिस्तान में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हैं तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो रील टू मेचोरिटी है इसको कैलकुलेट कैसे करना है तो हम अगर रिज्यूम करें कि हमारा जो फेस वैल्यू है एफ वी वो सपोज है वन थाउजेंड रुपीज़ का और जो मेचोरिटी के लिए टाइम पीरियड आपको बताया गया दैट इज़ टेन ईयर्स और आपको हर साल कूपन पेमेंट हो रही है एक साल की जिसके लिए आपको बताया गया है कि जो कूपन रेट है वो दस फ़ीसद है यानी कि आप एक हज़ार का जब कूपन बाय कर रहे हो तो टेन परसेंट के हिसाब से हर साल आपको टेन परसेंट के हिसाब से ऑफ़ वन थाउजेंड इज़ वन हंड्रेड रुपीज़ वो आपको साल हर साल के एंड पे मिलेंगे टोटल बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है मचॉरिटी 10 साल के बाद आएगी तो उसका आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हम सादा प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ जो अहम बात है वो ये है कि अगर आप इसके एंड पे देखें राइट साइड के ऊपर एंड पे देखें तो यहाँ मैंने दो टर्म्स लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है कि आपको एक साल की पेमेंट फर्स्ट ईयर में हुई उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे हो आपको सेकेंड ईयर में एक सौ रुपए की पेमेंट हो रही है उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली इसको इस वन हंड्रेड को आपने वन प्लस आई रेस टू दिपार्ट टू से डिवाइड कर दिया इसी तरह से आपने बोला दस साल में जो कूपन की आपको पेमेंट होने जा रही है कूपन पेमेंट टेन परसेंट कुपन रेट के ऊपर वो मिलेगी आपको दसवें साल में फाइन उसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे आप एक सौ डिवाइडेड बाई वन प्लस आई रेस्ट दिन और फिर इसके साथ ही में ये एक एक्स्ट्रा टर्म है ये भी रेस टू दार्ट टेन है वो क्या है ये आपको मेचोरिटी के ऊपर पैसे मिल रहे हैं यानी कि आपने एक हजार रुपए का बॉन्ड बाय किया था दस साल पहले अब आपको जब आप दस साल मेचोरिटी टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो अब आपको वो वापस आपको आपके एक हजार रुपए भी मिलेंगे मगर जितना अरसा आप अपने पैसों से दूर रहे हैं आपके हा आपके पास वो बॉन्ड था जिसकी बेसिस के ऊपर हर साल आपको दस फीसद इंटरेस्ट मिल रहा है तो बाय कंसिडरिंग के व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज डिफरेंट पेमेंट्स कितनी पेमेंट्स हो गई हैं दस साल के सूद की पेमेंट्स दस पेमेंट्स और ग्यारहवीं जब आपने अपना एक हज़ार रुपया वापस लेना है तो 11 पेमेंट्स होने वाली हैं आपको ठीक है तो इलेवन पेमेंट्स को कंसिडर करके आपने कूपन बॉन्ड की जब आपने यील्ड टू मेचोरिटी कैलकुलेट करनी है तो उसमें इलेवन पेमेंट्स कंसिडर होंगी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इसी तरह से अगर आप फॉमूला में देखें तो इसके बॉटम के ऊपर जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर मैंने जो वैल्यूज डाले हुए थे वो एग्जाम्पल के थे तो हम अगर जनरली एक फार्मूला डेवलप करें तो हम उसमें देख सकते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सर्टन कूपन बॉन्ड जिसके ऊपर कूपन पेमेंट्स होती हैं फॉर अ सर्टन एन नंबर ऑफ ईयर्स और साथ ही में फिर मेचोरिटी के ऊपर आपको जो टोटल फेस वैल्यू है वो आपको वापस मिल रही है तो आपने उसको भी डिस्काउंट करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और मेचोरिटी टाइम पीरियड के हिसाब से और जो दस या जितनी भी आपके बीच में साल गुजरने वाले हैं जितने भी टाइम पीरियड्स आपके साथ अगैन ये ज़रूरी नहीं है कि सालाना पेमेंट ही हो रही हो कूपन बॉन्ड के ऊपर इट कैन बी बाय एनुअली इट कैन बी आफ्टर एवरी थ्री मंथ्स फाइन तो इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन जिसके ऊपर आपने अपना कुपन बॉन्ड परचेज़ किया हुआ है तो यहाँ इस फॉर्मूला के तहत आपको इस्तेमाल करके आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम है आपको फ्यूचर वैल्यू पता है आपने कुपन पेमेंट्स कितनी आपको मिलने वाली हैं ये पता है तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में प्लग करके अपनी रील टू पेमेंट यानी कि इंटरेस्ट रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गो टू डिसकस विद यू इसके जो यील टू मचॉरिटी है वो हमारे जो प्राइसिज़ हैं उनके साथ कैसे लिंकडअप होती है ठीक है प्राइस किसका बॉन्ड का प्राइस तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक टेबल जिसमें मैंने प्राइस ऑफ बॉन्ड्स एनलिस्ट करे हैं उसमें मैंने लिखा है जो फेस वैल्यू था वो एक हज़ार का बॉन्ड है कुपॉन बॉन्ड है और एक हज़ार रुपये पेमेंट करके आपने वो बॉन्ड लिया है और उसमें जो सर्टन मचॉरिटी का टाइम पीरियड डिफाइन हुआ हुआ है दैट इज़ गोइंग टू बी देयर और दैट मेचोरिटी का टाइम पीरियड इज गिवन एज इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ गिवन गि टेन ईयर्स जो यील्ड टू मेचोरिटी है उसके ऊपर हमने कैलकुलेट करे हैं वैल्यूज़ यही पहले वाली फॉर्मूला लगा के जो अभी मैंने आपको दिखाई थी और हमने कहा कि जो कूपन रेट है यानी कि हर साल के गुजर जाने के बाद अगर आप वो कूपन बॉन्ड परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है दैट इज अगेन अज्यूम्ड गिवन एज टेन परसेंट ठीक है हमने एज्यूम किया है कि वो जो आपका ओपॉन रेट है दैट इज टेन परसेंट मेचोरिटी दस साल में हो रही है और आपने बॉन्ड वो बाय किया है एक हजार रुपयों में ठीक तो अब मैंने यहाँ कॉलम में बनाया प्राइस ऑफ बॉन्ड इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है बॉन्ड की तो फेस वैल्यू इज नॉट द प्राइस ऑफ बॉन्ड ठीक है फेस वैल्यू का मतलब है आपने बॉन्ड बाय किया उसके ऊपर लिखा हुआ है ये एक हजार रुपए का बॉन्ड है मगर मार्केट के सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन से उसकी कीमत डिटर्मिन होती है राइट तो वो बताएगी आपको कि प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या है सो वी आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट प्राइसेस प्राइसेस कहाँ सेट हुए हैं डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से और हमने कहा कि जो बॉन्ड की प्राइस है वो 1200 है 1100 है वन थाउजेंड है, 1000 है यानी कि फेस वैल्यू के बराबर है और इट कैन बी 900 फेस वैल्यू से कम है 900 भी हो सकती है और 800 भी हो सकती है जब वो 800 है या 900 है या 1200 है तो यील्ड टू मेचोरिटी कैलकुलेट हुई भी है पुराना फॉर्मूला यूज़ करके तो दे हैव बीन एस्टिमेटेड एज़ फॉर इफ़ द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज ट्वेल्व तो वी हैव एस्टिमेटेड दील टू मेचोरिटी इन परसेंटेज एज सेवन उसके बाद हमने कहा अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 1100 देन इट वाज एस्टिमेटेड एज 8.48 पॉइंट फोर इफ़ द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू राइट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट तो अगर हमारा जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो फेस वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो आप देख सकते हो इसका यील टू मेचोरिटी बिकम्स इक्वल टू ये जो टेन परसेंट लिखा हुआ है ये आपका कुपॉन रेट भी तो था ना राइट कुपॉन रेट वॉज टेन परसेंट तो आपकी अगर मार्केट की फोर्सेज के इंटरक्शन से प्राइस ऑफ बॉन्ड बिकम्स इक्वल टू द फेस वैल्यू तो आपकी जो यील्ड टू मेचोरिटी है दैट बिकम्स इक्वल टू कूपन रेट ठीक है लेकिन अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड फेस वैल्यू से नीचे गिर जाती है तो आपकी जो यील्ड टू मेचोरिटी है वो कूपन रेट से ऊपर चली गई है बढ़ गई है ठीक है लेकिन ऊपर देखेंगे तो हमने देखा कि अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड हायर है फिलहाल कीमत ऑफ़ बॉन्ड फेस वैल्यू से इंक्रीज कर गई है तो यील्ड टू मेच्योरिटी आपको देखने को मिल रही है वो कम हो गई है दस फीसद से आपको जो आपका कूपन रेट है उससे कम देखने को मिल रही है और फर्दर आपकी प्राइस ऑफ बॉन्ड ट्वेल्व हंड्रेड से एलेवन हंड्रेड डिक्लाइन किया है तो यील्ड टू मेच्योरिटी इज ऑल अगैन स्मॉलर देन यील्ड टू मेचोरिटी इज स्मॉलर देन योर कूपन रेट इट इज स्मॉलर देन योर कूपन रेट एंड इफ द फेस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ बॉन्ड Then the coupon rate रेट the yield टू maturity the टू becomes equal become equal to each other लेकिन अगर जो आपकी प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो फेस वैल्यू से नीचे चली जाती है तो आपका हील टू मेचोरिटी आपके कूपॉन रेट से बढ़ जाता है फाइन ऐसा क्यों है इसको डिस्कस करने के वास्ते हमने क्या किया हमने कहा कि बेसिकली जब मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो जाता है उसके फेस वैल्यू से तो लोग क्या करते हैं उसको बेचना शुरू कर देते हैं राइट right? और जब बेचना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा उसका ओवरऑल जो यील्ड टू मेचोरिटी का कैलकुलेट करते हैं हम वैल्यू तो फिर यू विल फाइंड के उसका यील्ड टू मेच्योरिटी सीम्स टू बी लार्जर एज कंपेयर टू द कूपन रेट बट इफ़ द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड बिकम्स हायर तो पीपल रिटेन दे प्रिफर टू रिटेन दोज बॉन्ड्स और एज अ कॉन्सिक्वेंस वॉट हैपन्स के जितना रिटेंशन ज़्यादा होगा उतना यील्ड टू मेचोरिटी की वैल्यू आपको कम होती हुई नज़र आती है सो दिस इज़ द ट्रेड ऑफ कि हमने देखा कि जब यील्ड की वैल्यू कूपन रेट के बराबर हो जाती है तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं कि बॉन्ड इज़ एट पार है और जब प्राइस और यील्ड को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो नेगेटिवली रिलेटेड हैं प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो यील्ड टू मेचोरिटी फॉल कर जाता है एंड वाइस वर्सा और तीसरी अहम चीज़ जो हमने यहाँ नोट की है दैट इज़ के यील्ड अगर ग्रेटर हो कूपन रेट से तो आपकी यील्ड ये देखें यील्ड अगर ग्रेटर हो आपके कूपन रेट से तो आपकी बॉन्ड की प्राइसेस पार वैल्यू से कम होती हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग सी फिननल है बेसिकली हमारा जो जो टेक अवे है इस पूर, पूरे डिस्कशन का वो ये है कि हम ये देख सकते हैं इस एग्जांपल की मदद से कि जो हमारा यील्ड टू मेचोरिटी है और हमारा प्राइस ऑफ बॉन्ड ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं ये आपस में एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा एंड वाइस वर्सा इसी से मिलती जुलती कूपन बॉन्ड से ही मिलती जुलती एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है एंड दैट इज़ कॉल्ड अ पर पैचुटी में मेचोरिटी नहीं होता तो अगर आपने कूपन बॉन्ड ख़रीदा हुआ है तो आपको हर जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है उसके बाद उसका कूपन रेट के हिसाब से आपको सूद मिलेगा मगर आप उसको कभी भी रिडीम यानी कि वापस बेच नहीं सकते उस ईशंस वाली अथॉरिटी को जिससे आपने उसको बाय किया है तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो जितना अरसा तक आप अपने पास उसको रखेंगे आपको कूपन रेट के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलती जाएगी दैट इज़ कॉल्ड अ परपेचुटी द बैड साइड इज़ इट कैन नॉट बी इट इज़ नॉट रिडीमेबल लेकिन परपेचुटी को आप मार्केट में जाके जो आपके जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें आप जाके इसको इसकी ख़रीद और फरोख्त होती है उसकी फेस वैल्यू पे नहीं होगी उसकी जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आप उसको बेच सकते हैं ख़रीद सकते हैं हो सकता है उसको उसमें आपको नुकसान हो जाए हो सकता है उसमें आपको फ़ायदा पहुँच जाए जितने पैसों की आपने ली थी परपैचुटी uh, उससे कम में निकल जाए उससे ज़्यादा पैसे ज़्यादा पैसों के ऊपर आप उसको बेच सकें ये डिपेंड करेगा मार्केट के कंडीशंस के ऊपर लेकिन जब तक कोई भी प्रपैचुटी को इन्वेस्टर uh, अपने पास विदहोल्ड करता है तब तक उसको कूपन रेट की पेमेंट होती जाएगी तो दैट इज़ एन अधर इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट तो जब हम प्रपैचुटी की बात करते हैं और उसके यील्ड टू मेचोरिटी को डिस्कस करने की लिए देखते हैं कि हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए पोटापा फॉर्म फॉर्मूला, जिसमें आप प्राइस ऑफ परपैचुटी को एज अ रेशो ऑफ ईयरली पेमेंट और हील टू मेचोरिटी ऑफ द परपैचुटी की रेशो से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको प्राइस ऑफ परपैचुटी मालूम है आपको यरली पेमेंट का पता है तो आप हील टू मेचोरिटी ऑफ द परपैचुटी को उसके ऊपर जो आपका यील्ड टू मेचोरिटी uh, है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलरली अगर आपको प्राइस ऑफ द परपैचुरिटी और हील टू मैचोरिटी की वैल्यूज पता हैं तो आप उससे अपनी ईयरली पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं इसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टेकन एन एग्जांपल और इस एग्जांपल में यू कैन सी दैट सपोज वी हैव ज्यूम्ड सिचुएशन जिसमें हमारे पास एक बॉन्ड है जो कि परपैचुअरटी है और इसको उसकी कीमत है दो हज़ार रुपए और ये इसके ऊपर जो आपको कंटिनुअस कांस्टेंट पेमेंट आ रही है वो एनुअली रुपीज़ वन हंड्रेड है तो अगर हम इस सिचुएशन में जानना चाहें कि हमारा जो यील्ड टू मेचोरिटी है यानी कि इंटरेस्ट कितना हमें पे कर रही है तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है आपने उसकी जो एनुअल पेमेंट है ईयरली पेमेंट विच इज़ सी को आपने प्राइस ऑफ परपेचुटी से डिवाइड कर देना है And you will get the value for the yield to maturity. In This case may be an example how I have to annual payment. Tha, 100 ka. overall price That was 2000 rupees. And if I want to know or calculate the yield to maturity, so it would be 100 divided by 2000, which gives me a 5% yield to maturity. So this is how we have got the formulas to assess the यो मचोरिटी और दर्रली पेमेंट और प्रजेंट वैल्यू किसी की चीज़ को भी आप इन फार्मोलाज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं मगर ये याद रहे कि डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स के लिए हम डिफरेंट तरह के फॉर्मूलाज़ को और डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ़ दैट फाइनेंशियल प्रोडक्ट